साथियों, मौका रहा वाला वहां से रहेगा कि ये पांचों पांडव छठी द्रौपदी दुर्योधन के शर्त के हिसाब से, कि दुर्योधन की शर्त ये थी कि जुए के खेल में पांडवों की हार हुई और हार में दुर्योधन ने कह दिया कि पांडवों के लिए 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास, और 1 साल के ज्ञातवास में यह शर्त होगी कि 1 साल के दौरान अगर 1 साल में 1 दिन 1 घंटे पहले भी पांचों पांडव छठी द्रौपदी में से किसी को भी पहचान लिया गया तो दोबारा से 12 साल के लिए जाना पड़ेगा और 1 साल का अज्ञातवास के लिए जाना पड़ेगा। सजनों, 12 साल तो वनों में घूम करके काट लिए और 1 साल जो अज्ञातवास विराट नगर में राजा कवलनैन के यहां पांचों पांडवों ने भेष बदल के राजा विराट की शरण ले ली। भीम रसोईया युधिष्ठिर अर्जुन हिजड़े के भेष में और वो पांचाली द्रौपदी दासी के रूप में वहां काम करने लगी। साथियों, रहते रहते कुछ दिन बीत जाने के बाद जो विराट भूप राजा कमलनैन की जो रानी थी रानी सुदेशना, उनकी सेवा में पांचाली द्रौपदी रहा करती और सुदेशना का भाई था जिसका नाम था कीचक। कीचक की नजर एक दिन द्रौपदी पर पड़ी तो कीचक कहने लगा कि हे बेबे, हे मेरी लाडली बहन, ये दासी तने अपने महलों में कब ते छुपा कर रखी, इस दासी के लिए मेरा घर बसवा दे और किसी भी सूरत में मेरी मढ़ी पर भेज दे। साथियों, सुदेशना ने दासी को मढ़ी पर भेजा, कीचक ने द्रौपदी को छेड़ने की पूरी पूरी कोशिश की लेकिन लाज बचा के वहां से भागी। तो वहां जब भीम के पास पहुंची तो भीम ने कीचक का वध किया और जब कीचक का वध हुआ तो दुर्योधन को यह एहसास हो गया कि विराट नगर में कहीं पांचों पांडव छुप करके रह रहे हैं, क्योंकि कीचक को अगर मार सकता है तो दुनिया में सिर्फ एक ही योद्धा पैदा हुआ है जिसका नाम है भीम। साथियों, दुर्योधन ने अपनी सारी सेना को इकट्ठा किया और इकट्ठा कर विराट नगर पर चढ़ाई कर दी और विराट नगर राजा कवलनैन की गौओं को जंगल में घेर करके बंदी बना लिया और एक ग्वाले को मार के भगाया और उसे ग्वाले के हाथों एक चिट्ठी भी लिखवा करके पहुंचवा दी कि विराट नगर राजा कवलनैन, यह तो दुर्योधन की सेना से युद्ध करो, अगर युद्ध करना बस की नहीं तो अपनी बेटी उत्तरा कुमारी का डोला दुर्योधन को दे दो। साथियों, विराट नगर राजा कवलनैन घर पर नहीं थे, वो सुशर्मा से युद्ध करने के लिए गए हुए थे, अकेला था उत्तर कुमार। उत्तर कुमार ने चिट्ठी को पढ़ा तो रोने लग गया। उत्तरा कुमारी कहने लगी, भैया क्यों रोते हो, कि ये दुर्योधन की चिट्ठी है और चिट्ठी में साफ लिखा है कि या तो युद्ध कर गौओं को छुड़ा लो और ना तो उत्तरा कुमारी का झोला दे। आज पिताजी होते तो युद्ध कर लेते लेकिन हमारे बस की तो युद्ध करना भी नहीं है और युद्ध भी मैं कर लूं तो कोई सारथी कोई रथवान नहीं है। उत्तरा कुमारी कहने लगी, रे भैया कुछ दिन पहले जो हमारे महलों में दासी है, इस दासी ने मुझे बताया कि जो मुझे शिक्षा सिखाते हैं मेरे जो शिक्षा गुरु हैं उन्होंने कभी अर्जुन का रथ हांकने का काम किया था, मैं उनके पास जाती हूं, अगर वो तुम्हारे रथवान बन गया तो तुम दुर्योधन से युद्ध कर लोगे, कि हां मैं युद्ध कर लूंगा। छुट्टी का दिन था, वो उत्तरा कुमारी अर्जुन के पास में आती है और यहां अर्जुन के और उत्तरा कुमारी के सवाल जवाब होते हैं। आइए सुंदर सी रागिणी मेरे द्वारा और सरिता कश्यप हरिद्वार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे बुजुर्गों की, जोरदार तालियां। आइए, क्या कहती है उत्तरा कुमारी और क्या कहता है वो हिजड़े के भेष में अर्जुन, दोनों के सवाल जवाब।
दोत्रा कुमारी। हेलो, कहिए गुरुजी। आगे तुम्हारी आख्या में पानी। हाँ। और तुम्हारा मेरे पास आना किस तरह से हो गया? आज गुरुजी मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। मेरे पास? हाँ। अरे और दिन तक तू शिक्षा लेने के लिए आया करती, मैं तुम्हें नाच ना गाना सिखाया करता। हाँ। लेकिन आज छुट्टी के दिन मेरा तो मूड ये था कि आज जी भर के आराम करूंगा, लेकिन आज भी तुमने आराम छुटा दिया। लेकिन आज आराम करने का दिन नहीं है गुरुजी, आज हमारे ऊपर भारी मुसीबत आन पड़ी है। तुम्हारे ऊपर भारी मुसीबत? हाँ। तो भारी मुसीबत में मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही तो हमारी सहायता कर सकते हो। मैं तुम्हारी सहायता? हाँ। कुछ समझ में नहीं आया, मेरी बात सुनो। कहिए अपनी बात। सुनो, हेलो 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 हेलो, उत्तरा बेटी आई छाया। हस्तनापुर का दुर्योधन ले फौज शिव पे आया रे। हस्तनापुर का दुर्योधन ले फौज शिव पे आया। और किसने तुझको आन कही और के संदेश सुनाया? न्यू कह दी रे, न्यू कह दी टोला दे दो जा, बस पे नहीं लड़ाई। न्यू कह दी टोला दे दो जा, बस पे नहीं लड़ाई। तुम्हारी गौओं को घेर लिया, गौओं को घेर लिया, एक एक वाले को मार भगाया। हाँ। दुर्योधन की ये हिम्मत। और इतना ही नहीं, और मेरा डोला भी मांगा है तुम्हारा। अगर लड़ाई बस की नहीं है तो उत्तराकुमारी का डोला
हमारे यहाँ भिजवा दो। इतना सुनने के बावजूद भी तू पहले मेरे पास चली आई। हाँ। तेरे बाप ने जा अब तक देखे, तेरे बाप ने जा दुश्मन को क्यों ना अब तक घेरिया। गया सुशर्मा, गया सुशर्मा से लड़ने गुरु घर बापुल ना मेरा। गया सुशर्मा से लड़ने गुरु घर बापुल ना मेरा। अरे मेरे पास में आवर का डक, मेरे पास में आवर का के निज मतवल से तेरा। बस्ती हो तो, बस्ती हो तो लाज बता गुरु जान सुधार बचाई। बस्ती हो तो लाज बता गुरु जान सुधार बचाई। रामेश्वर जी के बड़े भाई आदरणीय मौर सिंह यादव जी 100 रुपए इस रागनी पर देकर के पार्टी का सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद शुक्रिया। हे बेटी उत्तरा कुमारी, कहिए गुरुजी, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तुम्हारे दुख को सुनकर के तो काफी दुख मुझे भी हुआ हो रहा है, लेकिन मेरे दिल में तो मर्दाई नहीं है, मैं तो हिजड़ा हूं, और मैं तुम्हारी यहाँ किस तरह से मदद कर सकता हूँ? गुरुजी, आप ही तो हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि हमारे घर पर कोई भी नहीं है। मेरे पिताजी सुशर्मा से लड़ने के लिए गए हुए हैं, और मेरा एक छोटा सा भाई है, और मेरी माता ने आपको महल तक बुलवाया है। तुम्हारी माता ने मुझे महलों में बुलवाया है? हाँ। मेरे लायक काम तुम यही बता दो। नहीं, आपको महल में चलना पड़ेगा। और मेरे लायक तक नहीं बताया। मारे महल तक चाल गुरु मेरी माता ने बुलवाया। मारे महल तक चाल गुरु मेरी माता ने बुलवाया। और थारे महल में शोक घना डके, थारे महल में शोक घना ना जागा ना जागाया। क्या तने अर्जुन का मारी दासी ने बतलाया। क्या तने अर्जुन का मारी दासी ने बतलाया। यानी तुम्हारे महलों में जो दासी है, हाँ, उसने बताया कि कभी मैंने अर्जुन का रथ हाँ क्या था। जी गुरु जी, लेकिन उसने बताया तो ठीक है, लेकिन उत्तरा कुमारी, हाँ, अब किसका रथ हाकूंगा मैं तो, अब किसका रथ हाकूंगा, वे तो बन को गए बलदाई। बिना सारथी घर बैठा गुरु मेरा उत्तर भाई। बिना सारथी घर बैठा गुरु मेरा उत्तर भाई।
और एनडीजे कैसेट कंपनी के निर्माता भाई राजकुमार जुनेजा जी के लाडले सुपुत्र भाई शुभम जुनेजा जी 200 रुपए इस लागनी पर और 200 रुपए भाई अजीत सांवरिया जी दिल्ली पुलिस जो 200 रुपए हम दोनों कलाकारों के लिए दे रहे, बार बार धन्यवाद। यानी बिना सारथी घर बैठा तुम्हारा उत्तर भाई हाँ। अरे किसी को सारथी पकड़ के ले जाओ और कह दो अपने भाई से कि गऊओं को छुड़ाए और अपनी बहन का डोला जाने से बचाए। लेकिन गुरुजी, अगर आप मेरे भाई का रथ हांक सकते हो तो सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारी दासी ने ये बताया है कि जो आपके गुरुजी हैं वो बहुत अच्छा रथ हांकते हैं। रथ तो बहुत अच्छा हांक्या था, कभी अर्जुन का रथ हांक्या था हाँ। लेकिन वो तो बनों को गए, 12-13 साल हो लिए बेटी, अब तो मैं भूल गया रथ हांकना भी। लेकिन गुरुजी, आज आपको मेरी लाज बचानी होगी, क्योंकि मेरी लाज आपके हाथ में है। हो करूंगा पूरी कस बैठा हेरे कस बैठा हथियार गुरु रते हाकन की मजबूरी कस बैठा हथियार गुरु रते हाकन की मजबूरी और कवि कल्पना की सोचे बिन कवि कल्पना की सोचे बिन पिंगल रहे अधूरी भागीरथ का जस लेना आ नीति अंग जरूरी भागीरथ का रस लेना आ नीति अंग जरूरी और जो गावे बेसुरी रागणी हेरी री 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 हेरी री 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 हेरी हेरी री तक जो गावे बेसुरी रागणी बेसुरी रागनी यहाँ पर जा करे बुराई गाम शेरपुर दिल्ली में जय करण कर कविताई गाम शेरपुर दिल्ली में जय करण कर कविताई और छुट्टी के दिन आज पढ़ने ले छुट्टी के दिन आज पढ़ने क्यों उत्तरा बेटी आई नहीं किताब पूरी